नमस्ते प्रणाम राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और स्वागत है आप सभी को हमारे एक और प्यारा सा ब्लॉग में। तो अभी दोपहर का टाइम है, कल वाले वीडियो अभी हम जस्ट शूट किए हैं, एडिट नहीं किए हैं। शायद शाम को वीडियो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी 12 बज चुका है और हम लोग को थोड़ा मार्केट जाना है क्योंकि आज हम लोग जाएंगे घर, क्योंकि घर में है कल घड़ी पवनी यानी कि बुधवार को, और आज है मंगलवार। तो अभी चलते हैं मार्केट और देखते हैं क्या सब करते हैं उधर। तो अभी कपड़े दुकान में आ गए हैं और यहाँ पे देख रहे हैं सूट सब। सोच रही थी एक दो सूट ले लो, इनको ये पसंद आया। प्राइस ही तो बहुत कम है, एक फर्स्ट में ये निकल। इसका कलर सब कैसा कैसा है? नहीं है, इसका कलर रहता तो अच्छा रहता। इसका कलर, इसका तो ये कहिए वाला सूट है दोस्तों। ये देखिए कैसा लग रहा है। क्या लो भैया? ज्यादा लूज लगता है। वो बात सुनता है, पनीर लोने से लिया है। हाँ, पनीर लोने से लिया है, पता है ना। कदर ले भी नुकरी सुसरा मामा से है ना करा के। इतना शॉपिंग कर लिया, देखिए इतना सारा कपड़ा। ये सारा हमारा है, यहाँ पे सेल लगा हुआ था। चल ले, चल सर, चल चलो। हाँ चलो, वैसे नहीं खोलते हैं, ऐसे ऐसे इसको, ऐसे इसको खोल देंगे, इसमें बेबी को डाल देंगे, इसको ऐसे ऐसे चेन को ऐसे बंद कर देंगे। आपको भी था ऐसे, पूरा चेन को ऐसे बंद कर देंगे तो मच्छर उच्छर नहीं जाएगा। और ये कैसे? वो ऐसे ही है, देखने के लिए अच्छा लगेगा। चलो हो गया, चलो। सुबह का टाइम, किचन में हम लोग नहा धो के पूजा वूजा कर लिए हैं। अभी किचन में खाना बन रहा है, साथ में सुहाना वहाँ पे पढ़ रही है। और आज हमारे घर पे व्रत है घड़ी पवनी करके, है ना? गुड मॉर्निंग सुहाना। गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जाएंगे कहाँ? गांव, है ना? कहाँ जाएंगे? ये किसका घर है? सुहाना बोल रही है अपने घर जाएंगे, दादी के घर जाएंगे ना, गाँव जाएंगे। तो अभी हम लोग खाना वाना खा के 10-11 बजे निकल जाएंगे, ठीक ना? चलो। तो अभी तक आप लोग ने देखे कि बीमू ने सारा तैयारी करके, सारा शॉपिंग वगैरह करके गांव जाने के लिए, यानी कि मेरे मम्मी पापा जहाँ पर रहते हैं उस गांव में जाने के लिए तैयारी करी थी। और वो सुहाना और बीमू चली भी गई वहाँ पे, लेकिन मैं नहीं जा पाया किसी कारण। बस ये 2-3 दिन बाद सुहाना और बीमू आज सुबह सुबह, जब मैं सोया ही था तो सुबह के बस से वो लोग आ चुके हैं। और मैं भी नहा के फ्रेश हो के पूजा सूजा करके सूर्य देवता को जल अर्पित करके यहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर रहा था। तो चलिए आपको मिलवाते हैं सबसे। देखिए सुहाना आते ही सो गई है। देख रहे हैं, क्योंकि नींद पूरा नहीं हुआ होगा, सुबह सुबह उठी होगी। और सुहाना को है स्कूल। उठो बेटा, सोना उठो उठो, स्कूल भी जाना है ना। और आते ही अपना ये सो गई लेके उस पर तकिया। ये सुहाना का तकिया है। ये तकिया ने बेटा। तो मेरा बेटा आ गया। मैं 2-3 दिन से मेरे को मन नहीं लग रहा था आपके बिना, पता है। चलो सबसे मिलवाओ मेरे को, मम्मी कहाँ है दिखाओ, क्या क्या लाई हो सब चीज दिखाओ। चलो चलो। तो अभी हम निकल गए रूम से बाहर और एग्जैक्टली 2-3 दिन बाद ये लोग फिर से वापस आ गए हैं। और गांव गए थे तो क्या क्या लाए हैं गांव से वो भी दिखाएंगे सुहाना। और यहाँ पे है सुहाना के मम्मी। गुड मॉर्निंग दोस्तों।
और अकेली ही चली गई थी ये और सुहाना, मोबाइल फोन भी नहीं ले गई थी। फोन भूल गए थे दोस्तों, मुझे लगा ये शाम को आएंगे लेकिन इनको कुछ काम था, बस निकल गई, लेट हो गया तो ये आ नहीं पाए, फोन इधर ही रह गया। वहाँ पे जिस दिन हम गए उसी दिन चंदन का फोन टूट गया, चंदन मम्मी का फोन यूज करने लगे, तो वहाँ पे एक भी फोन नहीं था, कुछ भी नहीं था। दो तीन दिनों से मैं एक मिनट के लिए भी फोन नहीं देखी हूँ, ना छुई हूँ। तो चलिए गांव से आए हैं तो ये अरबी का पत्ता है, ये अरबी का पत्ता लाए हैं और ये घर का प्रसाद लाए हैं, तो आप लोग ग्रहण कर लीजिए, हमारे घर का प्रसाद है। और यहाँ पे कुछ बन रहे हैं और यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरा सबसे फेवरेट, मतलब ईमानदारता से बताओ कि मुझे सबसे ज़्यादा भेज में क्या पसंद है, तो यो है ये मशरूम चाउ, मुझे ये बहुत पसंद है। जो लोग नहीं खाए हैं उनको अगर खाना चाहिए, लेकिन ये देसी चाउ है, कोई ऐसा नहीं है, खेती होता है ना फार्म में ऐसा वाला नहीं है, देसी है, शुद्ध देसी, जो गांव घर में टाल होता है, पुआर होता है धान का, उस पर फलता है ये, तो यही है। और ये झिंगनी का शायद भुजिया बनेंगे, और यहाँ पे ये चोखा बनेगा शायद, और ये पूरी है घर से, घड़ी पबनी में यही होता है, घर के देवता को चढ़ाया जाता है। ये लाए हैं और इतना ढेर सारा भिंडी भी लाए हैं, ओ झिंगनी भी लाई है, घीरा भी लाई है गाँव से, देख सकते हैं आप लोग, देखिए तो यही सब लेके आई है, और भी कुछ लाई होगी वो आपको बाद में दिखाएंगे। हाँ, कपड़े लाए, कपड़े भी लाई हूँ, घर गए थे ना तो वहाँ से लदनिया नजदीक है, तो लदनिया गए थे, वहाँ से सुहाना के लिए भी कपड़े लिए, मेरे लिए भी लिए सूट। जिन लोगों को नहीं मालूम है लदनिया कहाँ है तो हम बता दें, लदनिया है नेपाल और इंडिया के, नेपाल इंडिया का बॉर्डर ही लदनिया है, इस तरफ नेपाल और इस तरफ इंडिया है, तो वहीं पर इस जगह का लदनिया बोलते हैं, तो वहीं पे ये गई थी और सारा सामान खरीद के लाई है, तो क्या क्या लाई है वो भी आपको हम दिखाएंगे बाद में। चलिए तब तक सुहाना को भी ढेर सारा सामान मिला था, दादी के गाँव से नहीं दिखा दो, वो सब दिखा दो, दिखा दो, नींद नहीं पूरा हुआ है सुहाना की, पता नहीं क्या हुआ है सुहाना, नींद पूरा नहीं हुआ है आपका, बस ही में सो गई थी। दिखाओ क्या क्या लाई हो, आपका संदेश तो बहुत ज्यादा होगा, रात को लेट से सोई थी ना, सुबह में 5 बजे उठना पड़ा, 6 बजे गाड़ी था। तो सुहाना आ क्यों गई है मुझे नहीं मालूम, पर आप लोग तो नहीं आने वाली थी ना, संडे को आने वाली थी आप दोनों, हम नहीं थे तो क्या हुआ, कुछ कुछ बिस्किट, कुछ भुजिया सब, जो ब्रेड वहाँ पे पढ़ रही थी सुहाना, वो कॉपी और पेंसिल भी लेके आ गई, वहाँ पे भी पढ़ाई कर रही थी, मतलब पढ़ाई जारी था। ये क्या, ये तो नया है, यही खरीद दिए सुहाना, कब खरीदे सुहाना, लदनिया गई थी तब खरीदे, लदनिया जगह का नाम मालूम हो गया आपको, टी शर्ट है काफी कंफर्टेबल है गाड़ी में, क्या लिखा है टी शर्ट में, लिव द लाइफ यू लव, अच्छा लिव द लाइफ यू लव, जो आपको पसंद हो वैसा जिंदगी जियो, ठीक है, अभी से ऐसा टी शर्ट पहनती है बेटा। चलो कोई बात नहीं, अच्छी शुरुआत है, ये अच्छा लग रहा है, ये खुद के पसंद से ली है दोनों, खुद से पसंद से लिए हो, कलर भी सब कुछ, वाले बेटा पसंद तो बहुत अच्छी है आपकी, कलर भी अच्छा है, पैंट भी अच्छा है, इसको रख दो प्लास्टिक में, इसको थोड़ा धूप में रख दो, अरे पूछू पूछू, पहन के आई थी 1 घंटा बस पहनती, मैं बोली निकाल लो ये गर्मी, राखी के दिन पहनना, चलो पूछू पूछू, सुहाना लव यू बेटा। इतने दिन से हम वीडियो नहीं बना रहे थे ना ब्लॉग बना रहे थे, क्योंकि ये लोग कोई था ही नहीं, तो मैं क्या अकेला शूट करता, तो एग्जैक्टली आप आज फ्राइडे है और फ्राइडे मॉर्निंग को मैं ब्लॉग, तो फोन में था ही, मैं उसी दिन जो शूट की थी वो तो फोन में था, 2 मिनट का था, उसी को कंटिन्यू किए, थोड़ा सा डाल देते कुछ बातें वाते दोस्त के साथ करके, हाँ मन तो कर रहा था, मैंने क्यों ने भी डाला था कि क्वेश्चन, मेरा तो आदत हो गया है क्वेश्चन कीजिए, लेकिन किसी ने क्वेश्चन करने का, मैं कुछ भी मैं जब कर रही थी पूजा पाठ के, मन कर रहा था फोन होता, चंदन तो घर पे रहते नहीं है, कोई फोन ही नहीं था, चंदन अपना फोन तोड़ लिए थे, जैसे भी फोन से मैं शूट कर लेती, लेकिन फोन ही नहीं था, कुछ भी मैं कर रही थी एकदम से लग रहा था कि दोस्तों के साथ शेयर करके, ये चीज़ एकदम यूनिक लग रहा है, शायद उन लोगों के यहाँ पे ऐसा ना हो रहा हो, ऐसा पूजा ऐसा कुछ भी बहुत, अभी ना गाँव में बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, चारों ओर हरियाली है, हमारे घर खुद
हमारे घर में ना ये घीरा झिंगली सब जो फला है पूरा एकदम पूरा राउंड में एकदम वो लग रहा है एकदम हरा भरा। अच्छा, और पापा जी सब ठीक है उनका? हाँ, उनका पापा जी सब कहीं जाने वाले हैं। मूड ठीक है उनका? हाँ मूड भी ठीक है, जिस दिन गए उससे एक दिन पहले मूड खराब था। अच्छा। जिस दिन गए उस दिन अच्छा था। और पूछ रहे थे आपके लिए, सुहाना को पूछ रहे थे पापा क्यों नहीं आए, सबको बता रहे थे वो सुतनमा है सोए होंगे और सोसो के लेट कर लिए होगा ऐसे बोल रहे थे, वो सुतनमा है सोसो के लेट कर लिया होगा और फिर नहीं आया, गाड़ी छूट गई। देखे सुहाना ऐसा बोल रहे थे बाबा, दादाजी ऐसा बोल रहे थे मेरे लिए कि पापा सुतनमा है, हम सोते इतना ज़्यादा, इतना सोते हैं हम। ये क्या लग गया मेरे नाक पे? हमारा छत पे जो किचन गार्डन बनाए थे उसमें किचन का कोई सामान तो फलता है नहीं, बस थोड़ा मिर्ची फला था, तो उसको भी हम आप सोचे हैं कि हटा देंगे, सिर्फ उसमें फूल हम रोपेंगे फूल। तो अभी हम आए हैं छत पे और इतनी बरसात हो रही है आजकल कि हाँ सारा चीज़ जितने भी हम लगाए थे ना जो सूख गया था वो भी लग गया, ये एलोवेरा सूख गया था वो भी लग गया, ये फूल लग गया, ये मिर्ची सब तो पहले से ही था, ये सब लग गया, ये सब इसमें क्या सब हो गया है। और ये तो बिन काम का, ये तो रोपे भी नहीं थे हम ये रोपे तो सुहाना घास तो अपने आप ही हो गया नहीं। इसको हटाओ आपका गाड़ी, मैंने सुहाना के लिए गाड़ी बना दिया था ना सुहाना इसको भी हटा दो, टीना को भी हटा देते हैं ना। हाँ तो यहाँ पे अभी हम दो फूल और यहाँ पे गेंदा का फूल, दो गेंदा का और ये फूल तो है ही है और लहसुन बूटी भी तो है ही, और ये फूल यही वाला फूल ही है लेकिन फूला नहीं है, और ये फूल मस्त वाला फूल है, इसको मन करता है इसमें सुखार के यहाँ पे रोप दे। रोज फूल तो नहीं रोपे हैं, कहीं से लाना पड़ेगा, यहाँ पे रोज़ फूल होगा भी नहीं, एक तुलसी का पौधा बड़ा वाला रोपना होगा बेटा, एलर्जी से बचाते हैं हमें इसलिए। ऐसा करते हैं हम इसको ना यहाँ पे रोप देते हैं, ठीक है यहाँ पे ठीक है, उसको उखाड़ देते हैं इसमें। टूट गया ये तो, ये लगेगा? ये लगेगा क्या? नहीं लग पाएगा, इसका जड़ ही मर गया। चलो देखते हैं फिर भी, हाँ क्या पता लग जाए, आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों ये लगेगा या नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है लेकिन चलो फिर भी कोशिश करते हैं ना, क्या पता लग जाए। हम देखते हैं ये बड़ा होगा कि नहीं, वो बाद में हमको मालूम पड़ेगा जी। अगर ये नहीं सूखेगा मतलब हो जाएगा, अगर सूख गया तो समझो नहीं होगा। इसके नीचे थोड़ा सा ये भी डाल दो, थोड़ा सा ये भी डाल दो ठीक है। ये क्या सब है? हो गया जी, हो गया। थोड़ा सा पानी यहाँ पे, इसको देखो ये सब क्या था, इसमें तुलसी हुआ है बेटा, इसमें तुलसी हुआ। पानी थोड़ा डाल, बारिश तो होता रहता है लेकिन फिर भी अभी नया नया पेड़ रोपे ना, नया नया रोपते हैं तो पानी डालना होता है, ठीक है। तो आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पेंट करते हैं, होपफुली आप लोग काफ़ी इन्जॉय किए होंगे, सुहाना भी आ गई हैं, बीयू भी आ गई है वापस, तो इस ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।